हेलो एवरीवन, दिस पार्ट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस पार्ट जिसके अंदर हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के कन्वर्जन्स देखे थे। दो बड़ी एक्सप्रेशंस इस वीडियो के अंदर लेते हैं और इसके बाद हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एक्सप्रेशन नंबर 9 आप सभी के सामने है। वी विल कन्वर्ट इट इन टू पोस्टफिक्स। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए c माइनस डी जो कि ब्रैकेट के अंदर है उसे इवेल्यूएट किया जाएगा, सो इट बिकम्स सी डी माइनस, बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। अब आप देखिए तो कैरेट का प्रीसिडेंस सबसे ज्यादा है, तो सी डी माइनस कैरेट ई, तो इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कीजिए, सो इट बिकम्स सी डी माइनस ई कैरेट, बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखिए। तो लेफ्ट और राइट साइड में एक्सप्रेशन आपकी एज इट इज रहेगी। अब b के साथ जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसे इवेल्यूएट कीजिए, सो इट बिकम्स बी सी डी माइनस ई कैरेट मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन दैट इज b, मल्टीप्लीकेशन द होल पार्ट इज फॉर एग्जाम्पल x, इट बिकम्स b x एंड देन मल्टीप्लीकेशन और बाजू में प्लस f आ जाएगा। आगे और पीछे की एक्सप्रेशन को एज इट इज रखिए। अब आप ध्यान दीजिए तो ये पूरा पार्ट स्टार्टिंग का बी सी डी माइनस ई कैरेट मल्टीप्लीकेशन ये x है, प्लस f करेंगे तो ये f प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस को राइट साइड में भेजा जाएगा। आगे और पीछे की एक्सप्रेशन को वैसे ही लिख दीजिए। अब बीच का जो डार्क वाला पार्ट है, सपोज दिस इज x, सो a प्लस एक्स डिवाइड जी, तो पहले हम करेंगे x डिवाइड जी, सो ये x डिवाइड जी का बन जाएगा एक्स जी डिवाइड। लेफ्ट साइड में a प्लस वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब इसके बाद प्लस जो है a के बाद वाला इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। So this is the 9th example. Let us have a look at the last, that is 10th example. ये आपके सामने expression है। अब इस expression को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो आगे a कैरेट b है, आप पहले उसे भी कर सकते हैं, या फिर राइट साइड में g प्लस एच है, पहले आप ब्रैकेट में उसे भी कर सकते हैं। वैसे रूल्स के हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट्स को इवेल्यूएट करना है, तो पहले g प्लस एच को इवेल्यूएट करेंगे, सो इट बिकम्स जी एच एंड प्लस, बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। अब a कैरेट b को इवेल्यूएट कीजिए, सो इट बिकम्स ए बी कैरेट, बाकी की एक्सप्रेशन को वैसे ही लिखिए। अभी आपकी प्रीसिडेंस मल्टीप्लीकेशन c की है, तो पहले हम करेंगे ए बी कैरेट सी मल्टीप्लीकेशन, बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज रखिए। अब e डिवाइड f डिवाइड जी एच प्लस, यानी कि जी एच प्लस सपोज आपका x है, सो इट इज e डिवाइड f डिवाइड x, तो पहले हम e डिवाइड f करेंगे, सो इट बिकम्स ई एफ डिवाइड, बाकी लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब आप बीच में जो डिवाइड है, ई एफ डिवाइड के बाद जो डिवाइड है उसके साथ जी एच प्लस को कीजिए, सो इट बिकम्स ई एफ डिवाइड जी एच प्लस, और बीच वाला डिवाइड था वो राइट साइड में चला गया। लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। अब आप लेफ्ट साइड का इवेल्यूएट करेंगे, तो यहाँ पर सी मल्टीप्लीकेशन डी के बाद आपका माइनस चला गया, बिकॉज सी मल्टीप्लीकेशन तक आपका x ऊपर रेड कलर में इवेल्यूएट हो चुका था, माइनस d था, तो d माइनस हो जाएगा, बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। और अब जो बीच में प्लस है e से पहले उसे हम राइट साइड में भेज देंगे, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दीज आर द टू बिग एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स. Prefix is also called as Polish notation. Let us see the direct evaluation method, यानी कि shortcut method. पहले simple example suppose आपको दिया गया है a plus b, तो operator को left side में shift कर दीजिए, so it becomes plus ab. Very simple. Second expression a plus b multiplication c, तो पहले precedence के अनुसार b multiplication c करेंगे, तो ये बन जाएगा multiplication bc, और a plus को as it is लिख दीजिए। अब a प्लस सपोज दिस इज x, सो इट बिकम्स प्लस ए एक्स, तो प्लस आ जाएगा लेफ्ट साइड में a एंड योर x पार्ट इज मल्टीप्लीकेशन बी सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल a मल्टीप्लीकेशन b प्लस c, तो पहले हम करेंगे a मल्टीप्लीकेशन b, a मल्टीप्लीकेशन b का आएगा मल्टीप्लीकेशन ए बी एंड देन प्लस c, तो मल्टीप्लीकेशन ए बी को x अज्यूम कीजिए, x प्लस c आपका बनेगा प्लस एक्स सी, तो प्लस आएगा x इज मल्टीप्लीकेशन ए बी एंड देन c। आपको किसी भी एक पार्ट को x या y या z अज्यूम करके इसे इवेल्यूएट करना है, लेकिन आपको लिखना नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल a प्लस बी डिवाइड सी माइनस डी, तो प्रायोरिटी के अनुसार पहले हम b डिवाइड c करेंगे, सो इट इज डिवाइड bc आगे और पीछे की एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। अब पहले a प्लस डिवाइड बी सी या फिर डिवाइड बी सी माइनस डी, तो पहले हम a प्लस वाला पार्ट करेंगे, सो दिस बिकम्स प्लस a डिवाइड बी सी और माइनस डी को एज इट इज लिख दीजिए। अब माइनस को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो माइनस को लेफ्ट साइड में लाने से बाकी की एक्सप्रेशन एज इट इज रह जाती है और डी आ जाता है। लेट अस सी द नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल। एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ब्रैकेट्स लिए गए हैं, तो पहले ब्रैकेट्स को इवेल्युएट किया जाता है, सो a प्लस बी को करेंगे तो इट बिकम्स प्लस ए बी। बाकी की एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब नेक्स्ट c माइनस डी को इवेल्युएट कीजिए क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, सो दिस इज माइनस सी डी। आगे की एक्सप्रेशन वैसे की वैसी रहेगी। अब बीच में जो डिवाइड है उसको इवेल्युएट करेंगे, सो प्लस ए बी इज एक्स, minus CD is y, so this is x divide y, so it becomes divide xy. So divide left side में आ जाएगा, x is plus AB and y is minus CD. So this is your final answer. Next expression, suppose ये आपके सामने expression है, पहले हम ब्रैकेट्स को इवेल्युएट करेंगे, तो पहले b मल्टीप्लीकेशन c को इवेल्युएट किया जाएगा, b मल्टीप्लीकेशन c बनेगा मल्टीप्लीकेशन बी सी। बाकी की एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में एक ब्रैकेट रखिए और राइट साइड की एज इट इज लिख दीजिए। मल्टीप्लीकेशन बी सी करने के बाद जो इसका ब्रैकेट था, यानी कि b से पहले वाला ब्रैकेट और c के राइट वाला ब्रैकेट, उसको हम निकाल देंगे क्योंकि हमारी फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं रखे जाते हैं। इसके बाद आप देखिए तो d कैरेट f की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इट बिकम्स कैरेट डी एफ और बाकी लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे रखिए। अब c डिवाइड कैरेट डी एफ को इवेल्युएट कीजिए, सो दिस बिकम्स डिवाइड c कैरेट डी एफ। लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन वैसी की वैसी रहेगी। अब बीच में प्लस है, मल्टीप्लीकेशन बी सी प्लस और बाकी की एक्सप्रेशन, तो प्लस को लेफ्ट साइड में ले जाइए और साथ ही आपके लेफ्ट और राइट साइड के ब्रैकेट को हटा दीजिए, सो दिस बिकम्स प्लस जी। अब प्लस जो जी से पहले है उसे लेफ्ट में ले आइए, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। सेवेंथ एग्जांपल, कन्वर्टिंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स यानी कि पॉलिश नोटेशन। ये आपके सामने एक्सप्रेशन है वेयर देयर आर नो ब्रैकेट्स, तो आप पहले प्रेसिडेंस देखिए, द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इज ऑफ कैरेट, सो दिस इज कैरेट डी ई। लेफ्ट एंड राइट साइड की एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। अब आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में b मल्टीप्लीकेशन c किया जा सकता है और राइट साइड में f डिवाइड g किया जा सकता है, लेकिन एसोसिएटिविटी को ध्यान में रख के पहले हम b मल्टीप्लीकेशन c करेंगे, सो दिस बिकम्स मल्टीप्लीकेशन बी सी। लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन को वैसा ही लिख दीजिए। अब f डिवाइड g को इवेल्युएट कीजिए, सो दिस बिकम्स डिवाइड एफ जी। बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए a प्लस एक्स मल्टीप्लीकेशन बी सी यानी कि x माइनस कैरेट डी सपोज y प्लस डिवाइड एफ जी यानी कि फॉर एग्जाम्पल z, तो पहले हम प्लस के साथ करेंगे a प्लस वाला पार्ट, सो दिस बिकम्स प्लस a मल्टीप्लीकेशन बी सी क्योंकि प्लस को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। बाकी की एक्सप्रेशन को वैसा ही रखिए। अब बीच में जो माइनस है कैरेट से पहले उसके साथ इवेल्युएट कीजिए, सो दिस बिकम्स माइनस पहले आ जाएगा प्लस a मल्टीप्लीकेशन बी सी कैरेट डी ई और वापस से राइट साइड की एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे रख दीजिए। अब जो डिवाइड से पहले प्लस है यानी कि e के बाद जो प्लस है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कीजिए, बाकी की एक्सप्रेशन आपकी एज इट इज रह जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज ये आपके सामने एक्सप्रेशन है, तो पहले ब्रैकेट्स को इवेल्युएट कीजिए, सो b प्लस सी बिकम्स प्लस बी सी। बाकी लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन एज इट इज। अब g प्लस एच को इवेल्युएट कीजिए, सो दिस बिकम्स प्लस जी एच। लेफ्ट और राइट साइड के एक्सप्रेशन को एज इट इज रखिए। अब ध्यान दीजिए a मल्टीप्लीकेशन प्लस बी सी, बीच में माइनस है, उसके बाद प्लस जी एच डिवाइड के, तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन भी, लेकिन पहले मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे, सो दिस बिकम्स मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी सी माइनस। बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज रखिए। अब डिवाइड वाला पार्ट कीजिए, सो डिवाइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में प्लस से पहले, बाकी लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन आपकी एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर बीच में एक माइनस है उसके साथ किया जा सकता है और राइट साइड में जो प्लस है उसके साथ किया जा सकता है, लेकिन पहले हम माइनस वाला करेंगे, सो बिकम्स माइनस गोज टू द लेफ्ट साइड। बाकी राइट साइड की एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगी। अब ये पूरा आपका जो ब्लू कलर में है, दिस इज फॉर एग्जांपल x एंड देन प्लस f, तो प्लस को लेफ्ट में ले आइए, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आइए दो और एक्सप्रेशंस देख लेते हैं ऑफ कन्वर्टिंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स डायरेक्ट इवेल्युएशन मेथड से। इसमें एक एक्सप्रेशन दी गई है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट इवेल्युएट करेंगे यानी कि C माइनस डी, क्योंकि बॉडमास रूल के हिसाब से पहले उसे इवेल्युएट किया जाएगा। सो दिस बिकम्स माइनस सी डी। बाकी लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए। अब आप देखिए तो कैरेट की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पहले कैरेट को लेफ्ट साइड में ले जाइए। सो दिस बिकम्स कैरेट माइनस सी डी ई और बाकी की एक्सप्रेशन को लेफ्ट और राइट साइड का एज इट इज रखिए। अब b मल्टीप्लीकेशन ब्लू पार्ट इज फॉर एग्जाम्पल x, सो इट इज b मल्टीप्लीकेशन x। तो मल्टीप्लीकेशन को लेफ्ट में ले जाइए, बाकी लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन को एज इट इज रखिए। ध्यान दीजिए b के पहले वाला ब्रैकेट और e के बाद वाला ब्रैकेट हमें हटा देना है क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में ब्रैकेट कभी नहीं आता। फाइनल पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में आपको ब्रैकेट्स नहीं लिखने होते। इसके बाद प्लस f के साथ करेंगे तो आपका प्लस लेफ्ट साइड में चला जाएगा। लेफ्ट साइड का a प्लस और डिवाइड g को एज इट इज रहने दीजिए। अब डिवाइड g की प्रेसिडेंस हायर है तो पहले हम डिवाइड को पहले लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, बाकी की एक्सप्रेशन एज इट इज रखेंगे और लास्ट में हमारा g आ जाएगा। a प्लस लेफ्ट साइड का एज इट इज रहेगा। अब a के बाद जो प्लस है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कीजिए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। वन मोर लास्ट एक्सप्रेशन, अ बिगर एक्सप्रेशन, जिसमें आप देख सकते हैं पहले a कैरेट b भी किया जा सकता है या फिर g प्लस एच भी किया जा सकता है, लेकिन बॉडमास रूल याद कीजिए तो पहले g प्लस एच करेंगे। g प्लस एच को करने से ये प्लस जी एच हो जाएगा, बाकी की एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगी। आगे देखेंगे तो पहले a कैरेट b को किया जाएगा। सो दिस बिकम्स कैरेट ए बी, बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज रखिए। अब ध्यान दीजिए कैरेट ए बी इज फॉर एग्जाम्पल x मल्टीप्लीकेशन c, तो ये किया जा सकता है मल्टीप्लीकेशन c या फिर e डिवाइड f किया जा सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन एसोसिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए पहले हम लेफ्ट साइड का इवेल्युएट करेंगे। तो आप देखिए पहले हमें मल्टीप्लीकेशन को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, कैरेट ए बी सी बन जाएगा, बाकी की एक्सप्रेशन आपकी एज इट इज रहेगी। अब आप कीजिए ई डिवाइड एफ को। सो दिस बिकम्स डिवाइड ई एफ, बाकी लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब डिवाइड ई एफ इज फॉर एग्जाम्पल एक्स, डिवाइड प्लस जी एच इज फॉर एग्जाम्पल वाई। सो दिस बिकम्स डिवाइड ई एफ दैट इज एक्स डिवाइड y फॉर एग्जाम्पल प्लस जी एच। तो ये बन जाएगा डिवाइड लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सो दिस इज x दैट इज डिवाइड ई एफ प्लस जी एच दैट इज डिवाइड y। लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को आप एज इट इज रख दीजिए। अब नीचे आइए तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बीच में जो माइनस है d के पहले उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, बाकी की एक्सप्रेशन को एज इट इज रखिए। अब बीच में जो प्लस है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। सो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने किसी भी एक्सप्रेशन को, इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीवियस वीडियो में पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया था और हमने दो बड़े एग्जाम्पल भी इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं जिसको हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया है और 10 एक्सप्रेशंस जिनको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया है। ये शॉर्टकट मेथड है यानी कि डायरेक्ट इवेल्युएशन मेथड है जिसकी मदद से हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में आप देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली हमें कैसे using stack and using a particular variable by scanning each and every variable कैसे हम उसे convert करना है real method से, वो हम next video के अंदर देखेंगे। Thank you so much. Thanks for watching the videos.